बोलो सारे की नजर में बेटी देवी सी होती। जे जाएंगे बुराई के रावण, और हमारे यहाँ पे तो फाफड़ा और जलेबी खाया जाता है दशहरे के दिन। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव री सा, राधे राधे, जय माता दी। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बस अभी सुबह का समय हो रहा है और आज हमारे घर पे आने वाली है कन्याएं भोजन करने के लिए। तो भोजन तो अभी बनाना बाकी है, मैंने सोचा चलो पहले जो कल का ब्लॉग है उसे अपलोड कर लेती हूँ। तो ब्लॉग तो मेरा अपलोड हो चुका है और उसी के साथ में मैंने आज के ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। और आज है दशहरा, तो बच्चों के भी स्कूल में छुट्टी है, लेकिन बच्चे उठ चुके हैं और कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी है दो दिन बाद में। तो बस हम लोग फटाफट से बनाते हैं कन्याओं के लिए भोजन, और आप लोग भी बने रहना हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। हमारा भोजन भी बन गया, ये चने की सब्जी, पूरी का मैंने आटा लगाया, पूरी बनाना बाकी है, और साथ में बनाई हमने आलू की सब्जी। ओ यहाँ पे मासी जी हमारे बना रहे हैं हलवा, और यहाँ पे हमारी आधी कन्याएं तो आ चुकी है, आधी आना बाकी है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो साथ में हमने मार्केट से तैयार खमण भी मंगा ली, खाली ने वघारना बाकी है, और साथ में जलेबी भी मंगाई। और यहाँ पे मम्मी हमारे पैकेट रेडी कर रहे हैं, ये कल लाए थे देने के लिए। हाँ मम्मी, हाँ ऐसे रेडी किए मम्मी ने। फिलहाल जो हमारी कन्याएं आना बाकी थी वो भी आ गई है, और यहाँ पे मैंने पूड़ी भी तलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी पूड़ी भी रेडी हो चुकी है, अब कन्या को भोजन करा देते हैं। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। तो फिलहाल कन्याएं तो हमारे भोजन करके चली गए, तो बस अब हमारे भोजन करना बाकी है, लेकिन मैं पहले सुखाऊंगी कपड़े। तब तक हमारे किसु भाई सा भी ट्यूशन गए हुए हैं, तो वो भी ट्यूशन से आ जाएंगे। बस कपड़े तो मैंने सुखा दिए, और अभी तो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, इतनी अच्छी धूप आ रखी है, और जैसे ही शाम होगी वैसे ही तूफान आने लग जाएगा। तो बस अब चलते हैं नीचे और मैं करती हूँ भोजन। और आज के कन्या पूजन के साथ में ही माता जी के नवरात्रे भी पूरे हो जाते हैं। कल मैंने सोचा था कि हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि सब ने ना कल कन्या पूजन कर लिया था, लेकिन हमारे यहाँ पर तो आज भी काफ़ी लोगों ने आज ही कन्या पूजन किया है, क्योंकि सुबह सुबह में नवमी थी और उसके बाद में दसवीं शुरू हुई। तो बस आज है विजयादशमी, तो शाम को जलाए जाएंगे बुराई के रावण, और हमारे यहाँ पे तो फाफड़ा और जलेबी खाया जाता है दशहरे के दिन। और ये देखिए अभी का मौसम। तो बस अब चलकर नीचे कर लेते हैं भोजन। तो मासी हो गया हमारा अच्छे से कन्या पूजन? हाँ, मस्त लगा, कन्या भी सब बहुत खुश है, बहुत खुश होकर गई है। छोटी छोटी सी आई थी इस बार, इस बार ये लोग जो कन्या थी वो पहली बार ही आई हमारे घर पे, सब खुश होके गई। रेस्ट। तो अभी फिलहाल शाम हो चुकी है और 6 बजने वाले हैं। चाय तो हमने 5 बजे ही पी ली थी, नाश्ता कुछ बनाना था नहीं, तो बस ऐसे फोन में मेरे जो 2-3 ब्लॉग देखना बाकी रह गए थे वो देख रही थी,
और पीछे हमारे यीशु भाई से स्टडी कर रहे हैं। आज उसे ट्यूशन तो जाना है नहीं क्योंकि वो सुबह में ट्यूशन जाकर आ गई थी इसलिए। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं पहले कपड़े लेकर आ जाती हूँ, इसके बाद में चपाती बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लगाना है तो वो लगा दूँगी, ऐसे बर्तन भी क्लीन करने हैं, फिर बाद में साथ में करूँगी। तो फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज में और मैं कपड़े लेकर आ जाती हूँ। तो मैं छत से ये सारे कपड़े भी लेकर आ गई और यहाँ पे हमारे भाई साहब अपनी फ्रेंड के साथ में कुछ पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए। और मैंने कहा था ना शाम होते ही पूरा मौसम ख़राब हो जाएगा, बिजलियाँ चमक रही है। और फाइनली हमारा डिनर भी बनके हो चुका है रेडी। मासी बताएगी क्या बनाया है। तो हमने यहाँ पे बनाया तुरई की सब्जी, चने की दाल और तुरई, और इसके साथ इसमें बनाई सिंपल, इसमें सिंपल खिचड़ी है। और चपाती बनाने के लिए आटा मुझे लगाना है नहीं क्योंकि मैं बनाऊंगी ज्वार की रोटी, तो इसलिए मासी ने ना बोल दिया। और यहाँ पे बर्तन भी धो दिए जो मेरे धोना बाकी थे। तो बस जो मेरा कपड़ों का डेली वर्क होता है वो मैंने कर लिया है पूरा, और सबके कपड़े मैंने सबकी अलमीरा में भी रख दिए। तो अब मैं करूँगी भोजन। तो इसी के साथ में हमारे आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। और आज मैंने दो लाइनें पढ़ी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो वो भी मैं सुना देती हूँ। कि काश हर सुबह नवरात्रि की नवमी सी होती, काश हर सुबह नवरात्रि की नवमी सी होती, हर किसी की नजर में बेटी देवी सी होती, हर किसी की नजर में बेटी देवी सी होती। जय माता दी, राधे राधे। बस सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।